आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले ने तूल पकड़ा। जहां इको गार्डन के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हैं 5 अभ्यर्थी, जिसमें शिक्षक अभ्यर्थी पिछले 6 महीने से कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। 5 कालिदास मार्ग के सामने पुलिस लाठी का भी शिकार हुए हैं अभ्यर्थी। लिखित आश्वासन न मिलने तक 5 अभ्यर्थियों की जारी रहेगी भूख हड़ताल। भूख हड़ताल में 3 पुरुष और 2 महिला अभ्यर्थी हुई है शामिल। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले ने फिर से एक बार तूल पकड़ा है। जहां पर अभ्यर्थी इको गार्डन के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हैं 5 अभ्यर्थी, जिसमें शिक्षक अभ्यर्थी पिछले 6 महीने से कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। 5 कालिदास मार्ग के सामने पुलिस लाठीचार्ज का भी शिकार हुए हैं अभ्यर्थी। लिखित आश्वासन न मिलने तक 5 अभ्यर्थियों की जारी रहेगी भूख हड़ताल। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्री के साथ हादसा हुआ है। धन सिंह रावत की कार पलटी, धन सिंह के साथ कई अधिकारी गण भी मौजूद रहे। थैलीसैंड से देहरादून जा रहे थे मंत्री धन सिंह रावत, जहां अचानक उनकी कार पलटने की खबर हुई। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि धन सिंह रावत की कार पलटी है, जहां उनके साथ कई अधिकारी गण भी मौजूद थे। इस वक्त की बड़ी खबर, थैलीसैंड से देहरादून जा रहे थे मंत्री धन सिंह रावत। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुआ है एक बड़ा हादसा। धन सिंह रावत की कार पलटी है, जिसमें तमाम अधिकारी गण भी उनके साथ मौजूद थे। थैलीसैंड से देहरादून जा रहे थे मंत्री धन सिंह रावत। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, धन सिंह रावत की कार पलटी है, जिसमें तमाम अधिकारी गण भी मौजूद थे। अचानक से पलटी है धन सिंह रावत की कार, जिसमें तमाम अधिकारी गण भी मौजूद थे। थैलीसैंड से देहरादून जा रहे थे मंत्री धन सिंह रावत, जिस समय ये हादसा हुआ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।